मनोज रंधावा, कैसी चली है नफरत की आंधी, दिल पत्थर से हुए हैं आंखों में नहीं पानी। कहते हैं दिल पत्थर हो जाए तो एहसासों का समंदर सूख जाता है और नफरत की हवा लग जाए तो पत्थर भी खंजर बन जाते हैं। आज पत्थरों के पते बदल गए हैं, पत्थरों के मायने बदल गए हैं। शहर शहर जो नर्म दिल थे वो आज पत्थर दिल बन गए। सोचिए कल जो पत्थर आसमान में सुराख का हौसला हुआ करता था वो पत्थर आज नफरत के नाम पर उछाले जा रहे हैं। बेजुबान पत्थरों की इस बेबसी को आज हम कवियों की जबानी समझने की कोशिश करेंगे। स्वागत करते हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमित जी, बहुत स्वागत है अमित जी आपका। अनामिका जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, धन्यवाद। पंकज हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है पंकज। शंभू शिखर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। गौरव आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले, क्योंकि जब हम बात पत्थर की करते हैं तो पत्थर खुद के लिए क्या कहता है, वो किस लिए बना है और उसका इस्तेमाल किस लिए हो रहा है? शंभू जी, जी एक बेहतरीन एपिसोड और बेहतरीन कवियों के साथ सबसे बेहतरीन चैनल पर, क्या बात है। पत्थर की बात उठी, पहली लाइन से ही पूरे देश को अपील करता हूँ कि बुनियाद पे मेरी है कितने घर खड़े हुए। बुनियाद पे मेरी है कितने घर खड़े हुए, राहों में हम ही मील के पत्थर खड़े हुए। राहों में हम ही मील के पत्थर खड़े हुए, सच्चाई में जो आज भी पत्थर है चलाते, लगता है उनकी अक्ल पे पत्थर। बहुत अच्छे। पत्थर पड़े हुए। और देखिए पत्थर और क्या क्या है कि आंखों को जो भाए वही मंजर तराशिए, धरती तराशिए कभी अंबर तराशिए, बेहतरी के लिए ये ही कीजिए, दिल को जो जोड़े आप वो पत्थर। क्या बात है, बिल्कुल जो। और देखिए पत्थर हमारे इतिहास का भी एक बड़ा हिस्सा रहा है। वो कैसे, देखिए हम इंसान हैं और पत्थर और इंसान के बीच की जो यात्रा रही है वो आज से नहीं है। कभी हम पत्थरों में रगड़कर जो आग जलाते थे उससे खाना पकता था। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये आग लगाने का काम पत्थर कर रहे हैं। क्या बात, क्या बात। हमारे इतिहास को देखिए आप, कि जो आग भड़कने से बचाते वो हम तो हैं, जो आग भड़कने से बचाते वो है हम ही, दुनिया को जो तहजीब सिखाते वो है हम ही, उद्धार अहिल्या कभी होता है यहाँ पर, उद्धार अहिल्या, वो भी पत्थर की बन गई थी, उद्धार अहिल्या कभी होता है यहाँ पर, पत्थर का जो इंसान बनाते वो है हम ही। क्या बात है, पत्थर का जो इंसान। और देखिए एक बारीक सी नजर कि पत्थर की लकीरें हैं ये मिटने की नहीं है। पत्थर पर जो लकीर आ जाती है मिटती नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। पत्थर की लकीरें हैं ये मिटने की नहीं है, तहजीब की किरणें हैं सिमटने की नहीं है, हर नस्ल में कुछ और खजाना ही बढ़ेगा, पुरखों की विरासत है ये घटने की नहीं, पुरखों की विरासत है, और हर हर कदम खुलेगा मुकद्दर तो देखिए, कुदरत की वादियों से गुजर कर तो देखिए, नदियों के खर नदियों में तो खरबों के हैं पत्थर पड़े हुए, नदियों में तो खरबों के हैं पत्थर पड़े हुए, तह में कभी भी आप उतर कर तो देखिए। नजर नजर की बात है, देखिए कि समझो तो पत्थर और नहीं समझो तो भी पत्थर, तो भी पत्थर। बिल्कुल। लेकिन जब ज्यादा समझ जाएं और वाकई समझ जाएं और जब पत्थर खुद अपने आप को समझाने का प्रयास करे तो नवजोत जी पत्थर क्या कह सकता है। आज आप कविता जीएनटी के माध्यम से पत्थर पर सुनने वाले हैं, लेकिन मैं यहाँ पत्थर होकर के, पत्थर बनकर पत्थर क्या कहता है वो कहती हूँ, सुनिएगा। पत्थर दिल मत होइएगा बस। नहीं जी,
पत्थर दिल में भी धड़कनों की आवाज आती है, वो कहती हूँ कि हम पर्वत हैं चीर के सीना जल की धार बहाते हैं। हम पर्वत हैं चीर के सीना जल की धार बहाते हैं, चोट हमें जब लगती है हम मीठा गीत सुनाते हैं, चोट हमें जब लगती है हम मीठा गीत सुनाते हैं, बीते कल के इतिहासों को वर्तमान तक लाए हैं। केवल वो पत्थर हैं, ये नदियां, ये प्रकृति है जो तब से अब तक पूरे इतिहास को बताती है कि बीते कल के इतिहासों को वर्तमान तक लाए हैं, लिखे इबारत कोई तो हम शिलालेख हो जाते हैं, तो हम शिलालेख हो जाते हैं। और अब पत्थर की बात करती हूँ, सुनिएगा कि मजबूरी में रिश्तों तक का मीठापन खो जाता है। आपने पत्थर दिल होने की बात कही, तब कहती हूँ कि मजबूरी में रिश्तों तक का मीठापन खो जाता है, चोट समय की पड़े तो इंसान तक पत्थर हो जाता है, दुख जब हद से बढ़ जाए तो आंखें पत्थर आ जाती हैं, दुख जब हद से बढ़ जाए तो आंखें पत्थर आ जाती हैं, प्यार में डूबे पत्थर दिल की धड़कन गीत सुनाती है, दुनिया कहती हम पत्थर तो बिल्कुल पत्थर होते हैं, दुनिया कहती हम पत्थर तो बिल्कुल पत्थर होते हैं, नहीं किसी की पीड़ा समझे इतने निष्ठुर होते हैं। उस पर कुछ पत्थरबाजों ने अजब कलंकित काम किया, देशद्रोह की श्रेणी में रखकर हमको बदनाम किया, कि लहू बहाना शौक है जिनका, बदलती हूँ ट्रैक को सुनिएगा, कि लहू बहाना शौक है जिनका हम वो कातिल छुरे नहीं, लहू बहाना शौक है जिनका हम वो तिल छुरे नहीं, जितना दुनिया समझ रही है उतने हम भी बुरे, जितना दुनिया समझ रही है उतने हम तो बुरे नहीं। और कौन है कि मील का पत्थर होकर हम मंजिल का पता बताते हैं, क्या बात है, मील का पत्थर होकर हम मंजिल का पता बताते हैं, और नींव के पत्थर बन महलों का बोझ उठाते हैं, देहरी बन रिश्तों की खातिर द्वार हृदय का खोला है, देहरी बन रिश्तों के खातिर द्वार हृदय का खोला है, सिलबट्टा बन खट्टेपन में भी हमने रस घोला है, सिलबट्टा बन खट्टेपन में भी हमने रस घोला है, हम ही अजन एलोरा में शिल्प कला के गौरव हैं, क्या बात है, अजंता एलोरा में शिल्प कला के गौरव है, खजुराहो की संस्कृतियों के नवदर्शन की सौरभ है, दुर्गम पथ पर बिछे तो हमने उस पथ को आसान किया, दुर्गम पथ पर बिछे तो हमने उस पथ को आसान किया, हमें कुचल कर जो गुजरे उन पथिकों को सम्मान किया, हमें कुचल कर जो गुजरे। और अंतिम कड़ी सुनाती हूँ कि भावहीन ना समझो हमको हम भावों से भरे हुए, भावहीन ना समझो हमको हम भावों से भरे हुए, धड़कन को महसूस करो ना समझो हम हैं मरे हुए, बेशक पत्थर हैं हमको पर प्यार की भाषा आती है, बेशक पत्थर हैं हमको पर प्यार की भाषा आती है, धार नदी की जब छू लेती अपनी धड़कन गाती है, धार नदी की जब छू लेती अपनी धड़कन गाती है, इसी प्यार पर हम अपना ये पत्थरपन खो जाते हैं, इसी प्यार पर हम अपना ये पत्थरपन खो जाते हैं, कोई प्यार से छू ले तो हम ताजमहल हो जाते हैं, ताजमहल हो जाते हैं, जब शिल्पी के हाथ में पहुंचे। और अंतिम पंक्तियां कहती हूँ कि जब शिल्पी के हाथ में पहुंचे सज्जा का सामान हुए, जब शिल्पी के हाथ में पहुंचे सज्जा का सामान हुए, छेनी की चोटों को सहकर हम ही तो भगवान, छेनी की चोटों को सहकर हम ही तो भगवान हुए, हम ही तो भगवान। पत्थर में भावनाएं, और उन भावनाओं को बहुत ही खूबसूरती से आपने बताया है, लेकिन बदनाम बहुत हुए पत्थर, देखिए आज की तारीख में भी तो अभी ऐसा लग रहा था पत्थर बोल रहे हैं, पत्थर सच में, और भावनाएं होती हैं पत्थर, पत्थरबाजी में इंसानों पर फर्क नहीं पड़ा, वो डिबेटों में व्यस्त हैं, मुद्दे बुराने में लगे हैं, सबसे ज्यादा आहत कोई है तो वो खुद पत्थर है, खुद पत्थर है। तो सुनिएगा, इंसान की
इंसान से नफरत बात समझ ना आई है। वाह। देख नजारा ऐसा पत्थर की आंखें पथराई है। वाह। ए इंसान तू इंसान है तो शैतानों का काम न कर। ए इंसान तू इंसान है तो शैतानों का काम न कर। पत्थर से तू खून बहाकर पत्थर को बदनाम न कर। पत्थर से बहुत अच्छे अच्छे प्रतीक बातें कि मैं भी कुछ कहता हूँ कि पत्थर से बुनियाद पत्थर से धरा बनी पत्थर में धरती के प्राण मिल जाते हैं। सुनिएगा कि पत्थर इस बंगज भैया पत्थर से बुनियाद पत्थर से धरा बनी पत्थर में धरती के प्राण मिल जाते हैं। और धरती का इतिहास कितना पुराना रहा पत्थरों में सारे ही बयान मिल जाते हैं। और पत्थर नहीं है नाश वाला कोई भी समान। पत्थरों में सृजन के मान मिल जाते हैं। और मन में हो प्रेम सद्भाव और श्रद्धा यदि पत्थरों में हमें भगवान मिल जाते हैं। पत्थरों में हमें भगवान मिल जाते हैं। और पत्थर को हिंसा की खातिर सड़कों पे नीलाम न कर। पत्थर से तू खून बहाकर पत्थर को बदनाम न कर। और सुनिएगा ताज पे जो नाज करते हो आज आप सभी। ताज पे जो नाज करते हो आज आप सभी वहां छाई प्यार की बहार पत्थरों की है। लाल किले वाली शान खास या दीवाने आम ऊंची खड़ी कुतुब मीनार पत्थरों की है। और ये देखिए जरूरी बात कह रहा हूं महीन बात कह रहा हूं समझना कि सागर पे तैरने की कथा याद कीजिएगा। सागर पे तैरने की कथा याद कीजिएगा। राम सेतु वाली भी पुकार पत्थरों की है। छोड़ता हूं राम सेतु वाली भी पुकार पत्थरों की है। और पत्थर के भगवान से घृणा किसी को हो तो देख लो ये मस्जिद मजार पत्थरों की मस्जिद मजार पत्थरों की है। और पत्थर कितना कीमती पत्थर होता है। हाँ। कि पत्थर मार के तू पत्थर का दो कौड़ी का दाम न कर। अच्छा। पत्थर से तू खून बहाकर पत्थर को आखिरी सुने नाम न कर। कि धर्म को तो मानते हो धर्म की ना मानो आप। हाँ। धर्म को तो मानते हो धर्म की ना मानो आप। पैर मूल ज्ञान से उखड़ गए आपके। मेरा भगवान बड़ा तेरा भगवान छोटा आपसी विचार अब लड़ गए आपके। और पत्थरों को मजहबी हथियार बना लिया। पत्थरों को मजहबी हथियार बना लिया। मजहबी मामले बिगड़ गए आपके। पत्थर का मर्म तुम्हें कहां से समझ आए। पत्थर अकल में ही पड़ गए आपके। पत्थर अकल में ही पड़ गए आपके। हाथ में पत्थर मुंह पर नारा। हाथ में पत्थर मुंह पर नारा ये वहशी को राम न कर। पत्थर से तू खून बहाकर पत्थर को बदनाम। बहुत बढ़िया। अच्छा चलिए अब हम आपको जरा मतलब बहुत सीरियस वाली बातें हो रही हैं। कवि सम्मेलन है हम पत्थर मंत्री के पास ले चलते। वो मंत्री नहीं जिनका दिल पत्थर का है। हम मंत्री जी का दिल पत्थर का नहीं कहेंगे पर मंत्रालय उनका ऐसा है कि जो पत्थरों को जोड़कर रास्ते बनाते हैं और जिनसे हम अपनी मंजिलें तय करते हैं। देखिए नवजोत जी पहली बात तो मैं जीएनटी को बधाई दे दूं कि पत्थरों के ऊपर आपने ये आज का कवि सम्मेलन रखा है। तो मेरे को तो देखो पत्थर कोई फेंके या ऐसे भी पहुंचाए मेरे को तो पत्थर चाहिए चाहिए। अच्छा। सड़क बनाने में पत्थर जी गडकरी जी समझ गए हम। तो मेरे को पत्थर तो बनाना हो चाहिए। हाँ। और ये जितने लोग फेंक रहे हैं मैं पॉजिटिव आदमी वैसे भी हम पॉजिटिव ही बातें करते हैं। हाँ पॉजिटिव आपका चैनल ही पॉजिटिव है तो इसीलिए पॉजिटिव बातें करते हैं। तो अगर पत्थर आपको फेंकना है तो हाईवे के आसपास आके फेंक आसपास आकर फेंकोगे तो उससे फायदा होगा। देखो फायदा क्या है कि डीजल की बचत होगी। अच्छा ट्रांसपोर्टेशन का ट्रांसपोर्टेशन वो बढ़ेगा। लेबर बचेगा लेबर बचेगा और समय बचेगा। और जब समय बचेगा तो 2024 तक मुझे अमेरिका की जितनी सड़कें हैं हाँ। वैसी भारत की सड़कें बनानी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जो पत्थर फेंकना है फेंको एक दूसरे पे फेंकने के बजाय हाईवे के पास हाईवे के पास फेंको हाईवे के पास।
जी पंकज, वाह। तो पत्थर भी नहीं फूटेगा। हाँ सर भी नहीं फूटेगा, पासे पत्थर पासे। और हाँ एक चीज और बताऊँ, हाँ। पत्थर फेंकेगा उसके ऊपर रोलर चलेगा, हाँ। मेरी चाय नहीं छलकनी चाहिए। मेरी चाय नहीं छलकनी चाहिए, चाय नहीं छलकनी चाहिए। और आज आपके जीएनटी पे चाय नहीं आई है जी मंत्री जी, अभी अभी बुलवा दे। देखिए वो छलकनी नहीं चाहिए, मेरा पैमाना वही है। देखो देखो ज्यादा इसमें क्या है कि मैं इस पे ना एक टास्क फोर्स बैठाता हूँ, हाँ। और टास्क फोर्स जब बैठ जाती है तो बस पैमाना कैसे होगा कि चाय नहीं छलकनी चाहिए। तो अब आपका जो कवि सम्मेलन इतना बढ़िया चल रहा है, ये छलके ना, इसलिए यहाँ पे चाय जरूर। चाय चाय चर्चा हम हर रोज करते हैं मंत्री जी, इस बार पत्थरों से आग जला करके उससे चाय बननी है, इसलिए आ रही है। वो अंबर तराशा गया है, वो मैंने देखा है। वैसे करी जी, मुझे मुझे लगता है कि एक दिन वाकई में अगर ईश्वर ने उनमें प्राण डाले जी, तो पत्थर इंसानों से पूछेंगे जरूर एक दिन कि तुमने हमारी ये नियति क्यों बनाई, क्योंकि हमने तो प्रकृति के हिसाब से बहुत कुछ अच्छा अच्छा हमारे लिए हुआ, सब अच्छा। तुमने हमें एक खून से सना हुआ पत्थर बनाया। तो मैं भी सब लोग वर्णन कर ही रहे पत्थरों का, तो वही मैं कर रहा हूँ कि स्वागत। ओ पत्थर तेरे कितने नाम, वाह। ओ पत्थर तेरे कितने नाम, कितने चेहरे और कितने काम, वाह। ओ पत्थर तेरे कितने नाम, कितने चेहरे और कितने काम, पड़े अकल पे पागल कर दे, पड़े अकल पे पागल कर दे, सर पे पड़े तो घायल कर दे, बने किसी निर्माण में गर तो, बने किसी निर्माण में गर तो, शिल्प कला का कायल कर दे, मंदिर में स्थापित हो तो पूजा जाए सुबह शाम, ओ पत्थर तेरे कितने नाम, कितने चेहरे और कितने काम। बहुत अच्छी मंगल भैया। कभी उठाए नीलो नल ने राम सेतु तब पूर्ण हुआ, कभी उठाए नीलो नल ने राम सेतु तब पूर्ण हुआ, उंगली पर धारा गिरिधर ने, जो भगवान कृष्ण जी ने रखा था, पूरा पहाड़ रखा था उन्होंने, तो उंगली पर धारा गिरिधर ने अहंकार तब चूर्ण हुआ, मंदराचल बना जो मथनी, मंदराचल पर्वत जो समुद्र मंथन के वक्त था, मंदराचल जब बना जो मथनी, मंथन समुद्र संपूर्ण हुआ, मन जब हो जाए तुलसी तो पत्थर हो जाए शालिग्राम, तो पत्थर तेरे कितने नाम, बहुत अच्छे, कितने चेहरे और कितने काम, पत्थर हथियार बनाने वालों, आंसू खून बहाने वालों, शांति कबूतर के पंखों को नोच नोच कर खाने वालों, पत्थर तो बेजान इन्हें तुम करो ना ऐसे तुम बदनाम, तो पत्थर तेरे कितने नाम, कितने चेहरे, कितने काम। देखिए ऐसी नसीहतें ना कई बार क्या होता है कि पॉलिटिशियंस की तरफ से भी आ जाती हैं, खास तौर पर वो जो मार्गदर्शक मंडल में जा चुके हैं। क्या बात नहीं, आपका इशारा कहीं सैफई की ओर तो नहीं है। हम समझ रहे हैं कुछ कुछ आपका नवजोत जी, इस उम्र में भी इशारे समझते हैं। नहीं, जब वो इशारा करने वाले जो होते हैं उनको तो बाबा जी जेल भेज देते। एक जने ने इशारा किया था और उनको बेचारे 88 केस ला दे, 88, और वो 88 में बेल मिली तो 89 हो गया, मतलब फिर बाहर भी नहीं आने देते। अच्छा, और देखिए पत्थर का क्या, हमारे तो घर ही में चल रहे हैं। तो फिर आपसे आपसे बड़ा इसका दुख कौन समझता है? सही बात, घर में चल भी रहे हैं, अब भतीजों के दिल पे पत्थर पड़ भी गए और बुद्धि पे भी पड़ गए। अब इसीलिए तो हमको तो कहीं बुलाया नहीं जाता है, अरे पत्थर मारने के ही बुलाने बुला लो हमें क्या है, लेकिन ठीक ही है, शंभू जी आप भी दिल पे पत्थर रख के पहुंच ही जाते हैं, इसीलिए आज दिल पे पत्थर रख के कवि सम्मेलन में पहुंचे। क्या करें, क्या करें, राजनीति और पत्थर की बात हुई तो मैं चार बिल्कुल अलग लाइन है। स्वागत। कि कितने ही मंजर देखिए दिखला गई आंखें, क्या बात है, कितने ही मंजर देखिए दिखला गई आंखें, जब पास पिया ना हो तो मुरझा गई आंखें, जब पास पिया ना हो तो मुरझा गई आंखें, आई जो राजनीति के हाथों में देखिए पत्थर का हाल ये है कि पथरा गई आंखें, पत्थर का हाल ये है कि पथरा गई आंखें। और पंकज जी ने जब पत्थर का इतना बढ़िया जिक्र किया
कि उलझोगे झाड़ियों से तो उलझन ही मिलेगी, गेरू के पहाड़ों पे तो पिसलन ही मिलेगी, तालाब का ठहरा हुआ पानी तो नहीं है, गंगा जहां भी होगी वो पावन ही मिलेगी। क्या बात है, बहुत खूब। पत्थर जहां भी होगा वहां पूजनीय ही होता है, बिल्कुल, क्योंकि उससे बहुत सारे काम है। लेकिन देखिए कि अंदर तमाम लोग थे, बाहर भी कई थे, अंदर तमाम लोग थे, बाहर भी कई थे, ऐसी थी कत्लगाह जहां सर भी कई थे। क्या बात है, वाह। ऐसी थी कत्लगाह जहां सर भी कई थे, जीवन की एक जंग थी ऐसी छिड़ी हुई, जीवन की एक जंग थी ऐसी छिड़ी हुई, शीशे भी आस पास थे, पत्थर भी कई थे। क्या बात, शीशे भी आस पास थे, पत्थर भी कई थे, और धरती खुली खुला हुआ ये आसमान है, कुदरत की रोशनी में ये अपना बयान है, चारों तरफ पहाड़ है, झरना है बीच में, महसूस हो रहा है कि पत्थर में जान है, महसूस हो रहा। ये जो पीछे देखिए ना आप, जो घर बना हुआ है हमारे बैकग्राउंड में, आप पीछे देख पा रहे हैं, मैं देखिए एक चार लाइन इस सेगमेंट के अंतिम कहना चाहता हूँ, खोया हुआ निजाम तराशा तो जाएगा, अनगढ़ से पत्थरों को तलाशा तो जाएगा, हम वक्त की मजार पे जाएंगे जिस घड़ी, चादर चढ़ेगी साथ बताशा तो जाएगा, चादर चढ़ेगी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखिए बुलडोजर, लाउड स्पीकर, इसके बाद अब पत्थर भी, बिल्कुल पॉलिटिक्स का हथकंडा बन गया है, बिल्कुल। तो आपने ये आपका में दिक्कत उसकी नहीं, अच्छा दिक्कत ये है आजकल राजनीति ऐसी, नहीं तो हमारे कानपुर में कभी सोचा था मैनचेस्टर की मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट, अच्छा जी आप सुनो तो, अब वहाँ पे ऐसा होगा ये हमने नहीं। और शंभू भाई अभी आंखें पछाई नहीं, अभी भी चाचा पहलवानों को हम दे सकते हैं, हम जो धोबी पछा मारेंगे, लेकिन अभी जो चल रहा है चुप है, इसका मतलब ये नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ, अच्छा समय आएगा। हाँ। कानपुर क्या है? मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट, ईस्ट वो। इसको अंग्रेजी आती है। आपने बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार जल्द लौटते हैं, कवि सम्मेलन हमारा जारी है। बात चली है पॉलिटिक्स, पत्थरों को पॉलिटिक्स में लोग लेकर के आए, और उससे किस तरह से अभी आदरणीय बोल रहे थे जो बोल नहीं पा रहे थे, मेरा मतलब है ये जो बोला हाँ तुम समझ नहीं पाओ तो हमारे, अच्छा एग्जैक्टली मैं ये कह रही हूँ, वो बच्चों से गाती है बोलने में, तुमसे गाती हो गए। आदरणीय मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने जो बोला वो मैंने समझा या नहीं समझा, आपने जो बोला वो आपने समझा या नहीं समझा? उसके लिए हमारा भाई सिपाह है, वो हम नहीं समझते, वो हमको बताता है। क्या दिक्कत नहीं, बिल्कुल। अब आपकी दिक्कत को ऐसे खत्म, वैसे भी हमारे प्रदेश में तो योगी जी हैं जिन्होंने हर तरह की दिक्कतों को खत्म किया है, तो यहीं से एक बात उठाती हूँ और एक पैगाम देश के नाम कहना चाहती हूँ, एक पैरोडी से जोड़ती हूँ और उससे पहले चार लाइन कहती हूँ, सुनिए। वाह क्या स्वागत है, आप मेरा स्वागत ना ही करें तो अच्छा है, सुने कि ये उन मादी ढोल मंजीरे जनगण मन का साज नहीं, जो लोग ये सोच रहे हैं कि पत्थरों की आवाज को
म्यूजिक बना करके, संगीत बना करके, एक दूसरे के ऊपर फेंक करके अपनी बात रखेंगे, मैं उन तक एक बात पहुंचाती हूँ, सुनिएगा, बहुत मन से सुनाती हूँ जी, कि ये उन मादी ढोल मंजीरे गजन गड़ मन का साज नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी का अंबर ये अंदाज नहीं, सवा अरब की आबादी में केवल कुछ सौ हिंसक लोग, चंद दलों की कठपुतली है जनता की आवाज उनसे भी एक बात कह देती हूँ, जो पत्थर लेकर के निकल पड़ते हैं मुझे नहीं पता क्या सिखाने के लिए, पर हिंदुस्तान की आवाज जीएनटी के माध्यम से सुनिएगा कि शौर्य की भूमि के अनुपम परिवेश से ऊपर मत मानो, शौर्य की भूमि के अनुपम परिवेश से ऊपर मत मानो, रण अग्नि के प्रलयंकर संदेश से ऊपर मत मानो, एक दूजे पर फेंक पत्थर कैसा पाठ पढ़ाते हो, एक दूजे पर फेंक पत्थर कैसा पाठ पढ़ाते हो, करो सियासत लेकिन खुद को देश से ऊपर मत मानो, करो सियासत लेकिन खुद को देश से ऊपर मत मानो। और एक बहुत छोटी सी पैरोडी कहती हूँ, सुनिएगा, कि दोषी हाजिर है, दोषी हाजिर है, योगी की सजा पाने को, सुने आदरणीय मुलायम सिंह जी, समझ में आ रहा कि दोषी हाजिर है, हाँ दोषी हाजिर है, योगी की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे किसी अनजान, कोई पत्थर से ना मारे किसी अनजान, अनजाने को मत मारो, जान पहचान वाले को मार सकते हो, देश की एकता में, देश की एकता में नफरत के रंग मिलाने को, कोई पत्थर से ना मारे किसी अनजाने को, कोई पत्थर से ना मारे किसी अनजाने को, किसी भी बात पर पत्थर ना उठाओ लोगों, किसी भी बात पर पत्थर ना उठाओ लोगों, बहुत है कीमती ये वक्त ना गवाओ लोगों, गलतियों की सजा के वास्ते कानून है तो जरा विश्वास भी कानून पे दिखाओ लोगों, सभी हो एक जैसे मोहब्बत वो जगाओ, सभी हो एक जैसे मोहब्बत वो जगाओ, फेंक दो पत्थर उनकी जगह पर फूल लाओ, फेंक दो पत्थर उनकी जगह पर फूल लाओ, देश से बढ़कर अब आपका साथ चाहिए, कि देश से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है पाने को, कोई पत्थर से ना मारे किसी अनजाने को, पत्थर से ना मारे किसी अनजाने, क्या बात है, और अगर पत्थर मारा तो योगी जी आ जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि प्रदेश की सुरक्षा का जिम्मा राज्य सरकार का होता है, तो पत्थर उठाने से पहले सोच लीजिएगा कि पत्थर चलाने के बाद अगर सीसीटीवी कैमरे में फोटो आ गई तो बुलडोजर से कोई बचाने वाला वैसे योगी जी, हमने फरमान तो ऐसे ऐसे सुनाए हैं, बेचारे मजनू भी अंदर बैठ गए हैं, लेकिन आपको पता है कि पत्थर दिल इंसान, पत्थर दिल माशूका का हाल सिर्फ एक आशिक ही बता सकता है, इसलिए हमने प्रवक्ता को बुलाया है। अरे भाई तो देखिए उसमें मैं तो पहले ही कह रहा था, हाँ हमारे यहाँ से संबित पात्रा भी आ जाते हैं और संबित पात्रा जी से कहते हैं, अरे भाई पत्थर आप चला रहे हैं, अरे पत्थर अगर चलाने का अगर मन ही कर रहा है तो जीएनटी का एक बड़ा पॉपुलर कार्यक्रम आता है कि आप देखिए उसको, देखिए आपका भविष्य बताते हैं पंडित जी आते हैं, तो जब जब आपका पत्थर चलाने का मन करे अपने दोनों हाथ जेब में डालिए और एक लोटा जल, एक लोटा जल पीजिए
और ठंडे हो जाएगी। अच्छा। ना शीतलता मन में आएगी और आप कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे कि आपको पत्थर चलाना पड़ेगा। अगर नवजोत जी कह रहा हूँ तो, अगर गलत कह रहा हूँ तो बोल। नहीं, 100% सही कह रहे हैं आप एकदम जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं ये कह रही थी कि आशिक ही बता सकता है कि माशूका कितनी पत्थर दिल है। पत्थर के सनम का हाल तो सुनाइए जरा। पत्थरों के शोर में कई टूटे हुए दिलों की जो पीड़ा है वो दब गई है। मैं उन्हें फिर से उठाना चाहता हूँ। सुनिएगा अनामिका जी, आप बेहतर समझेंगे इस कविता को। अरे वाह। कि पत्थर और पत्थरबाजी के शोर ने हमारे एक दर्द को भुला दिया, बिसार दिया। लोग पत्थर से चोट खाए हैं, हमें एक पत्थर दिल लड़की ने मार दिया। लोग पत्थर से चोट खाए हैं, लोग पत्थर से चोट खाए हैं, हमें एक पत्थर दिल लड़की ने मार दिया। हंसी मत, वेरी पर्सनल। पत्थरबाज तो सिर्फ हंसी मत, पत्थरबाज तो सिर्फ सियासत के काम आते हैं। आज हम जान गए पत्थर दिल वाले पत्थर से ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। पत्थर दिल वाले पत्थर से ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। माना पत्थरबाजी गलत है, माना पत्थरबाजी गलत है और इस पर पालोगे कैसे भी काबू। पर जिसमें प्रेम पत्र लपेट कर प्रेमिका के घर फेंका जाता है, उस पत्थर की कीमत तुम क्या जानो, जानो? सोना बाबू। सोना बाबू। सुनिए, पत्थरबाजी तो चंद रोज होती है, एक आध रोज होती है, लेकिन रोज जाने कितने पत्थर दिल लोग कोमल दिलों को तोड़ता है। उस पर भी कुछ मैं बता। बिल्कुल है, बिल्कुल हर बात का उत्तर है। आप दे रहे हैं ज्यादा बेटर। देखिए, अगर ये दिल्ली में होता तो हमने हजारों जगह सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। हम उसको कहीं से भी खींच निकालेंगे, लेकिन पुलिस हमारे अंडर में नहीं है। केजरीवाल जी, पुलिस हमारे अंडर में है नहीं, तो पुलिस हमारे अंडर में है नहीं, तो उसको ना हम गिरफ्तार कर सकते हैं, ना हथकड़ी पहना सकते हैं जी। अच्छा अच्छा। हाँ, अगर आप कहिए तो दिल्ली से वाया पंजाब हम पकड़वा सकते। मेरा केवल इतना कह रहा था कि पत्थर से सिर फोड़ने वालों के प्रति कोई कानून है तो दिल तोड़ने वालों की सजा क्या है? देखिए, उसके पीछे भी यदि आप मुझे अनुमति दें तो इस बात का उत्तर दे देती हूँ और छटपटाहट को कम कर देती हूँ। जी जी जी। जिस लड़की को आपने गुनहगार कह दिया है, कटघरे में खड़ा कर दिया है, क्या पता उसकी भी कुछ मजबूरियां हो। मैं पंकज अंगार जी की पंक्तियां कोट करती हूँ, सुनिएगा। कि अपने ही एक उसूल ने पत्थर बना दिया, दिल को जरा सी भूल ने पत्थर बना दिया, पत्थर को फूल करता है ये इश्क सुना था, पत्थर को फूल करता है ये इश्क सुना था, हमको तो एक फूल ने पत्थर बना दिया। यहाँ फूल दूसरा लिया जाए, हमको तो एक फूल ने पत्थर। मतलब ये कि इश्क से डर नहीं लगता, पत्थर दिल से डर लगता। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। सब पत्थर पत्थर दिल पत्थर और पत्थर की बातें करें, पत्थर की अभिलाषा भी तो कोई होगी। फूल की अभिलाषा सुनी थी। हाँ, आपने फूल की अभिलाषा सुनी थी, आज मैं आपको पत्थर की अभिलाषा सुनाता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं पत्थर बनूं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं पत्थर बनूं, भाग्य अपना खुद चुनूं, बेहतर चुनूं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं पत्थर बनूं, भाग्य अपना खुद चुनूं, बेहतर चुनूं। मैं तो बस निर्माण का कंकर बनूं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं पत्थर बनूं, बनना चाहूंगा मैं पत्थर चकमकों सा। एक चकमक का पत्थर रोशनी के काम में आता था। बनना चाहूंगा मैं पत्थर चकमकों सा, कम से कम अंधेरों को रोशन करूंगा। मैं जलूंगा बन के लो उम्मीद वाली, कम से कम मैं बोझ मन का कम करूंगा। अक्षय ऊर्जा पुंज सा दिन कर बनूं। अक्षय ऊर्जा पुंज सा दिन कर बनूं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं पत्थर बनूं। पर आजकल विपक्षी पत्थर बना हुआ है, पत्थर दिल बना हुआ है।
सही बात। नहीं देखिए, वो तो दिक्कत की बात ये है कि हमने जहाँ जहाँ पत्थर लगाने चाहे वहाँ वहाँ केंद्र सरकार उसमें जांच बैठा दे रही है। ना पत्थर लग पा रहे हैं, ना घर बन पा रहा है। तो हम जाएं तो कहाँ जाएं? कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। आपने बहन जी से संपर्क किया? उन्होंने तो बड़े पत्थर लगाए थे। हाँ, बहन जी से हमने संपर्क किया था तो उनका फोन नहीं लगा। अच्छा। वो कह रही है कि अभी हम एकांतवास में हैं। अच्छा। क्योंकि सिंगल पार्टी में अभी उनके शायद एक ही सांसद रह गया है। अच्छा। इसी वजह से हमने उनसे बात करने की कोशिश की थी, बात नहीं हो पाई थी। विधायक एक, विधायक हाँ। अच्छा, विधायक एक है। हमारी पार्टी में कौन कितने हैं, जब अपनी पार्टी का नहीं पता दूसरे की पार्टी का काम पता करें। प्रियंका जी, प्रियंका जी, जवाब नहीं आपका। आपको देखकर वो कविता याद आ रही निर्मला जी की, इलाहाबाद के पत्थर तोड़ती पत्थर। अरे यहाँ पे तो क्या क्या टूट गया, अब हम आपको क्या बताएं। और ऊपर से आप सरकार ऐसी आ गई है उत्तर प्रदेश में, जो नहीं टूट रहा है वहाँ बुलडोजर चल जा रहा है। हाँ, सब तोड़ डाल रहे हैं। हम लोग अभी पत्थरों पर इतनी बात कर रहे हैं जी, पत्थर फेंके जा रहे हैं उसका, लेकिन एक समाधान है। हाँ। वो एक शेर मैंने सुना था, शायर का नाम याद नहीं है, शीशा पत्थर साथ रहे यह बात नहीं घबराने की। हाँ। शीशा पत्थर साथ रहे यह बात नहीं घबराने की, शर्त मगर दोनों में हो ना आपस में टकराने की। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो है आपस में, और एक शेर मंगल नसीम का देखे बहुत ही फिट बैठता है, वो जो आप अभी थोड़ी देर पहले आप लोग बता रहे थे गौरव भाई, अक्सर पत्थर दिल होते हैं फूलों सी सूरत वाले। अच्छा। और फूलों जैसा दिल रखते हैं चेहरे से पथरीले लोग। वाह वाह वाह। लेकिन आज इतना कुछ पत्थरों पर सुना। हाँ। इतने सारे हम सब कवियों ने अलग अलग तरीके से पत्थरों पर, शिला लेख की भी बात उठी पत्थरों पर, इतिहास के पत्थरों पर तराशी नकाशी सब कुछ। मैं चार लाइनें देखिए कि इतिहास के पन्नों को दिखाया तो किसी ने। अच्छा है, वाह। इतिहास के पन्नों को दिखाया तो किसी ने, पुरखों के सुर में गीत को गाया तो किसी ने, बचपन को बुढ़ापे से मिलाया तो किसी ने, पत्थर की मूरतों को बनाया तो किसी ने, पत्थर की मूरतों को के नुक्ते का जोर देखना रेखा को पार कर, नुक्ते का जोर देखना रेखा को पार कर, दर्पण से झूठ बोलना पत्थर का वार कर, दर्पण से झूठ बोलना पत्थर का वार कर, रहना इसी जमीन पे कहना मगर यही, लाए हैं आसमान से तारे उतार कर, लाए हैं आसमान से तारे उतार। और अंतिम चार लाइनें जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं कि सबकी जरूरियात का सामान बन गए, फिर भी हमें गुमान कि जापान बन गए, और लोहा कोई भी हमसे तो अब ले न पाएगा, धरती में गड़े हम हैं जी चट्टान बन गए, धरती में गड़े, और इंसान में भी पत्थर में भी इंसान का प्रारूप दिखेगा। बहुत अच्छा है। पत्थर को अगर ठीक से देखें तो पत्थर में भी इंसान का प्रारूप दिखेगा, जिस रूप में देखोगे वही रूप दिखेगा, फनकार तो गागर में है सागर के बराबर, मेंढक को तो सागर में मगर कूप दिखेगा, मेंढक को तो सागर में क्या कूप दिखेगा। अच्छा प्रतीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार शानदार बातें हुई हैं। हाँ। मैं एक बात कहती हूँ नवजोत जी, आपने भी सुना होगा, सबने सुना है, दुष्यंत जी की बहुत खूबसूरत पंक्तियाँ हैं
रहनुमाओं की अदा पे फिदा है दुनिया, इस बहकती दुनिया को संभालो यारो, और कैसे नहीं होगा आकाश आकाश में सुराख, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। क्या बात है। तो ये पत्थर का जितना अच्छी बात, जितनी खूबसूरत बात पत्थर के माध्यम से यहाँ कही गई है, मुझे लगता है लोग इसे बहुत कोट करते हैं। मैं यहीं से बात शुरू करती हूँ कि भाई ऐसा प्रभाव डाला इस शेर के आशय ने, भाई ऐसा प्रभाव डाला, आपको समझ में आ रहा है आदरणीय बहन जी, सुनिएगा कि भाई ऐसा प्रभाव डाला इस शेर के आशय ने कि बिना समझे बिना जाने एक महाशय ने आसमान की ओर तबीयत से एक पत्थर जड़ा, आसमान की ओर तबीयत से एक पत्थर जड़ा, जो सीधे उसी वेग में लौट कर उनके सर पर पड़ा। बिल्कुल नए स्टाइल में बात कर रही हूँ, जो सीधे आकर्षण का सिद्धांत, हाँ सीधे इसी वेग में लौट कर उनके सर पर पड़ा है ये पत्थर किसने फेंका, हाँ। ये पत्थर किसने फेंका, चारों ओर कहकर उन्होंने यहां वहां देखा, नेताओं ने भला उनकी मुझसे क्या दुश्मनी, मैंने तो हर जुल्म सहे और हंसकर हर बात सुनी, हाँ। क्या बात? तो क्या आम आदमी ने इसकी इतनी जुर्रत कहां, पोस्टर पर फोटो देखकर सरेंडर कर दे इसकी इतनी हिम्मत कहां। समझते ही आसमान की ओर देखकर बोला, मैंने तो सुराग करने के लिए तबीयत से था उछाला, हे पत्थर तुमने मेरा ही सर फोड़ डाला, पत्थर तुमने मेरा ही सर फोड़ डाला। अचानक आवाज आई, अर्थ समझिए, अब आवाज को देखिएगा पंकज जी की स्टाइल में, अचानक आवाज आई, आवाज को समझिए अर्थ को समझिए, शब्दों में क्या झांक रहे हो, पत्थर की ताकत को इतना 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 कम आंक रहे हो कि पत्थर की ताकत को इतना कम आंक रहे हो, मैं पत्थर हूं यार, मैं पत्थर हूँ, मैं पत्थर, मैं ही गिर कर के शान से खड़ा हूँ, मैं ही तेरे सर पर उल्टा पड़ा हूँ, मेरे पढ़ने के किस्से बड़े निराले हैं, उजाले में उजले हैं और अंधेरों में काले हैं, मेरे पढ़ने के किस्से बड़े उजाले हैं, और सुने कि मैं मंच पर पड़ जाऊं तो मस्ती मिटा देता हूं। पत्थर चल गए, प्रस्तुति कर रहे हूं आप, मैं मंच पर पड़ जाऊं तो मस्ती मिटा देता हूं, और अकल पर पड़ जाऊं तो हस्ती मिटा देता हूं। मेरे पढ़ने के किस्से निराले हैं कि मैं मंच पर पड़ जाऊं तो मस्ती मिटा देता हूं, अकल पे पड़ जाऊं तो हस्ती मिटा देता हूं, देह में पड़ जाऊं पथरी, देह में पड़ जाऊं तो सवाल होता है कि देह में पड़ जाऊं तो सेहत पर सवाल होता है, और भीड़ से पड़ जाऊं तो भाई बवाल में बवाल होता है। देखिए पत्थर पर पॉलिटिक्स हो रही है, और इस बीच बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बहन जी की शुरू होने वाली, हम सीधा वहीं लिए चलते हैं। मैंने समझा सच में कोई ब्रेकिंग न्यूज आ गई, सब लोग आ गए हैं। ये बहन जी का प्रॉम्प्टर है। बिना इसके तो मैंने संसद में भी कभी नहीं बात की, तो आज कैसे कर लूंगी। देखिए जहां तक प्रश्न है पत्थर का, तो इस देश में चल रही पत्थरबाजी से हम और हमारी पार्टी बहुत दुखी हैं, ये कष्ट का विषय है। कष्ट का विषय इसलिए है कि हमने लखनऊ यानी जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है उसको पत्थरों से ही संवारा था, टनों टन पत्थर हमने रेणुकूट और सोनभद्र से मंगाकर उसको आकार दिया था। आप लोग तो यहाँ बैठे जितने भी कवि लोग हैं ये शब्दों से पत्थर का आकार देते हैं, हमने मूर्त रूप दिया है, वहाँ पे हाथी भी बनवाए, शेर भी बनवाए, बिल्डिंगें भी बनवाई, अब क्योंकि वर्तमान सरकार उस पर जांच न बैठा दे और बुलडोजर न चलवा दे, परमपिता परमेश्वर से यही कामना है, धन्यवाद। वाह।
आपने सभी जानवर बताए हैं कि नहीं बताया? नहीं मतलब जानवर नहीं नहीं, पर वहां भी बुलडोजर का डर सता रहा है। कहीं बुलडोजर ना चलवा। अपनी भी चहुमुखी प्रतिमा बनवाई है, उसके बारे में जिक्र नहीं करा, मैं ये कह रही थी। नहीं उसका ध्यान, वो उस और ध्यान नहीं दिलवाना चाहते। चलिए, बॉलीवुड का एक गाना आया था गौरव, दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेरे। हम कवि हैं तनपुर या तहजीब को जिन जिन बलवाइयों ने छोड़ दिया, उन्हें तोड़ दिया, उन्हें तोड़ दिया, सिर्फ दिखावे के भाईचारे का भांडा फोड़ दिया, उन्हें तोड़ दिया, उन्हें तोड़ दिया। हाथ में पत्थर लेके माइंड मेकअप कर लिया, अरे हाथ में पत्थर लेके माइंड मेकअप कर लिया, क्यों हिंदू मुस्लिम ने आपस में ब्रेकअप कर लिया, क्यों हिंदू मुस्लिम ने आपस में ब्रेकअप कर लिया, जुम्मे की नमाज से आकर ये सब कर लिया, सीसीटीवी से चेहरों का चेकअप कर लिया, सीसीटीवी से चेहरों का चेकअप कर लिया, ओ मेरे बाबा जी ने आज सबका पैकअप कर लिया, क्यों हिंदू मुस्लिम ने आपस में ब्रेकअप कर लिया, पहले अंदर ही अंदर साजिश हुई, खून खराबे वाली ख्वाहिश हुई, पर्चे बैनर भी चिपकाए गए, एक जगह सब बुलाए गए, जिनको नहीं खबर थी उनको व्हाट्सअप कर दिया, और जिनको नहीं खबर थी उनको व्हाट्सअप कर दिया, क्यों हिंदू मुस्लिम ने आपस में ब्रेकअप कर लिया, क्यों हिंदू। और देखिए, पत्थरबाजों को ये अंदाजा न था, बाबा प्रसाद देंगे सोचा न था, अब सारे घर के कोने में हैं पड़े, कब जाने बुलडोजर घर पे चढ़े, पुलिस ने लाठी लेके अपना बैकअप कर लिया, अरे पुलिस ने लाठी लेके अपना बैकअप कर लिया, और दंगाइयों की खातिर रेडी लॉकअप कर लिया, और मेरे बाबा जी ने आज सबका पैकअप कर दिया, क्यों हिंदू मुस्लिम आपस में ब्रेकअप। और ये सुनिएगा, अच्छे भले में नहीं आफत करो, अच्छा ये जितने पत्थरबाज हैं और जिस पर राजनीति हो रही है, अच्छे भले में नहीं आफत करो, पत्थरबाजी पे ना सियासत करो, ऐसी वैसी ओवैसी की ना सुनो, ऐसी वैसी ओवैसी की मत सुनो, देखना सुनना है तो जीएनटी चुनो, क्या बात है, देखना सुनना है, गुड न्यूज सुनो, अच्छी खबरें सुनो, फ्रेश रहिए, ऐसी वैसी ओ वैसी की मत सुनो, देखना सुनना है तो जीएनटी सुनो, अरे कुछ लोगों ने इस मुद्दे को टेकअप कर लिया, जब कुछ लोगों ने इस मुद्दे को टेकअप कर लिया, अरे हमने कविताओं से सबको वेकअप कर दिया, क्या बात है, क्यों हिंदू मुस्लिम ने आपस में ब्रेकअप कर लिया, क्यों हिंदू मुस्लिम ने आपस में, और ये प्रश्न का समाधान ढूंढिए कि ये ब्रेकअप हुआ क्यों। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल, थैंक यू। और ऐसे में जब हम समाधान ढूंढने की बात करते हैं ना, थोड़ा बुजुर्गों की राय ले लेते हैं। नेताजी, आपने तो खूब पॉलिटिक्स किए, जरा चलते चलते राय दे दीजिए इन पत्थरबाजों को। आज देखिए, हमारे सामने में जो जब कानून व्यवस्था, हमें एक ही बार पत्थर नहीं चलवाए, वो ही चलवाए। तो इसलिए घर में रहो, सुख रहो, शांति से रहो, और आपसी भाईचारा बना के रखो। कानपुर के लिए, अब कानपुर वाले तुम लोग यार, वो जो खाते हो उसको खाओ और मुंह बंद रखो। पत्थर ना उछाले, हो सके तो इन पत्थरों से खूबसूरत शहर बसाया जाए। तो नफरत के नाम पत्थर उठाने वालों पर, ये था आज का कवि सम्मेलन। बाकी अच्छी और सच्ची खबरों के लिए सिर्फ गुड न्यूज़। कमाल।